मूंगफली, मूंगफली आप जानते ही हैं, ये इससे तेल भी निकलता है, ऑयल सीड तेल वाली क्रॉप है, और ये इन हाई क्वालिटी प्रोटीन वाली डाइट है। अब जो हमारे आपके कोर्स में है अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट, इन दोनों लीफ स्पॉट को कॉमन करके एक साथ कहा जाता है टिक्का डिजीज, और ये पर्णचित्ती रोग है। ये जो अर्ली लीफ स्पॉट है इससे 10 से 80% तक यूड लॉस हो सकता है। अब आप ये दोनों एक साथ देखिए, अर्ली लीफ स्पॉट लेट लीफ, ये जो है अर्ली इन्फेक्शन, अर्ली वाला इन्फेक्शन जो है अबाउट ए मंथ आफ्टर सोइंग, और ये जो है 5 से 7 वीक के बाद शुरू होता है। इसके जो स्पॉट हैं वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं होते हैं, इरेगुलर होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो येलो कलर का हेलो इसको बोलते हैं, एक येलो कलर का एक गोला सा दिखाई दे रहा है पीले रंग का, इसको बोलते हैं हेलो, ये इसके द्वारा सराउंड रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसके जनरली छोटे छोटे गोल स्पॉट होते हैं और इसमें कोई भी एक रिंग नहीं, येलो कलर की रिंग नहीं बनती है, ठीक है, जबकि इसमें एक रिंग जो खास पहचान होती है, ये बड़ा और इरेगुलर होता है, ये छोटे और बिना हेलो के द्वारा होते हैं, ये इसमें एक रिंग बनी हुई होती है, ये आप हर जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पे हल्की हल्की एक रिंग चारों तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इसमें नहीं दिखाई दे रही है। जब इसकी लोअर सरफेस को आप पलट के देखेंगे तो इसके जो लीजन है, जो धब्बे हैं, वो हल्के भूरे रंग के होते हैं, जबकि इसके कार्बन ब्लैक कलर के होते हैं, ये देखो ये ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि इसके जो है कार्बन ब्लैक कलर के होते हैं। यहाँ पे और क्लियर देख पा रहे हैं आप इस रिंग को, ठीक है, और ये एक है यहाँ पे, तो यहाँ कितने सारे हैं, और ये छोटे छोटे अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये जनरली इसके होते हैं, मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पत्ती पे ये आएगा एक पत्ती पे ये आएगा, ऐसा नहीं होता है, ये मिक्स आपके दिखाई देते हैं। इसका अर्ली लीफ स्पॉट जो है इसके द्वारा होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला, ये आपकी ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अपूर्ण फंजाई है, अपूर्ण कवक है, तो इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो होती है लैंगिक अवस्था माइकोस्पेरिला अरेचिडिस पर, इसकी ये फंगस की पूरी होती है। ये इसका इसका माइसीलियम दिखाई दे रहा है, सेप्टेट है, आगे अभी देखते हैं एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है आपका ये लेट लीफ स्पॉट, इसका नाम है पेसालोरा पर्सोनेटा, पहले इसका नाम ये था सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा था, लेकिन अब इसका नाम पेसालोरा पर्सोनेटा हो गया है। इसकी सेक्सुअल स्टेज होती है माइकोस्फेरेला बर्केली, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला के फंगस क्या होता है, ये इंटरसेलुलर होता है, अंतर कोशिकीय होता है, और इसमें माइसीलियम में इंटरनल और एक्सटर्नल हाइफा होते हैं, इसमें हॉस्टोरिया नहीं बनते हैं। ये इंटरसेलुलर जो होता है, जब इसके इंटरसेलुलर क्या हो गया, होस्ट के सेल के बीच में, दो सेलों के बीच में इंटरसेलुलर जो होते हैं, जब ये ग्रो करना शुरू करते हैं तो बीच बीच के सेल की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और ये बन जाते हैं अंतरा कोशिकीय भी। जब होस्ट का सेल डाई हो जाता है, जब होस्ट का सेल मर जाता है, तो ये इंट्रासेलुलर हो जाते हैं। अब फंगस जो है इसमें अपर सरफेस पे स्पोरुलेशन होता है, मतलब स्पोरेंजिया बनते हैं, कोनिडिया या स्पोरेंजिया, कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें लंबा मल्टीसेप्टेट कोनिडिया होता है उसके द्वारा होता है। कोनिडियोफोर जो है ओलिवेशियस ब्राउन कलर का होता है, अनब्रांच्ड होता है, मतलब एक पर एक में एक ही निकलेगा, कई सारे नहीं निकलेंगे, और एक में गुच्छे की तरह निकलेगा, कोनिडिया ओब्क्लेवेट होता है। मैं देखती हूँ कोई डायग्राम है या नहीं, ये रहा, ये है सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला, इसमें आप ये देख रहे हैं पत्ती की लीफ यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे स्पॉट आया, ये स्पॉट से स्पोरेंज ये सॉरी कोनिडिया बने, कोनिडिया बने, और इस पे जो है स्टोमेटा के थ्रू इसमें इंफेक्शन कॉज करा,
माइसिलियम इसके अंदर घुसा, इसमें कोई हॉस्टोर या चूषकांग नहीं होते हैं, सीधे माइसिलियम स्टोमेटा से घुस जाता है अंदर। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये इस बिटवीन दी स्पेसेस है, इंट्रासेलुलर है। कुछ टाइम बाद ये सेल मर जाता है तो ये वॉल खत्म हो जाती है इनके बीच की और ये इंट्रासेलुलर भी हो जाता है। फिर इसके बाद ये डिजीज के सिम्टम नजर आने लगते हैं। फिर ये नजर आए, ये इस पे फिर सिम्टम जब आए तो उसके बाद इसकी अपर स्टेज पर ये आप देख रहे हैं कोनिडियोफोर का झुंड दिखाई देता है। ये झुंड में होते हैं और सिंगल होते हैं, मतलब एक पे ये आप देख रहे हैं कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंगल 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 ये झुंड में निकले हैं और इन्हीं पर एक पतली लंबी सी कोनिडिया निकल गई जिसमें कई सारे सेप्टा होते हैं, ठीक है। और ये फिर हेल्दी प्लांट पर इसका इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब इसके ये तो होता है आपके फेवरेबल कंडीशंस में, लेकिन जब इसमें क्या होता है प्रतिकूल परिस्थितियां होने लगती हैं तो ये ओवर विंटरिंग करता है क्रॉप रेसिड्यूज में। ये क्रॉप रेसिड्यूज में ओवर विंटरिंग जब करता है तो ओवर विंटरिंग के लिए क्या बनता है, सेक्सुअल एस्कोस्पोर, जो इसके अंदर स्यूडोथीसियम जो मैंने बताया था माइकोस्फेरिला फंगस के साथ ही अपनी सेक्सुअल अवस्था पूरी करता है, तो इसमें स्यूडो एस्कोथीसियम बनता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर बंद रहते हैं। ये स्यूडो एस्कोथीसियम स्यूडोथीसियम सॉरी ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉर्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट डेब्रिस में काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी ये फट जाएगा, फट के इसको स्पोर बनेंगे और वो इस पे डिजीज कॉज करेगा और फिर ये लाइफ साइकिल ये चलनी शुरू हो जाएगी। अनुकूल परिस्थितियों में ये वाली चलती है, प्रतिकूल परिस्थिति में आते आते यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं, बंद होके बैठ जाता है। ये डायग्राम ही है, कोनिडिया इस तरह से बनते हैं। अब इसके बाद आपकी दूसरी फंजाई है, ये इंटरसेलुलर होता है, इंटरनल होता है, इसमें हॉस्टोरिया बनता है, प्रोडक्शन ऑफ हॉस्टोरिया जो उसमें नहीं था, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल माइसीलियम थे, इसमें केवल इंटरनल ही माइसीलियम है। इसका कोनिडियोफोर भी लॉन्ग है और ओलिव ब्राउन कलर का होता है। इसके कोनिडिया सिलिंड्रिकल और क्लेवेट होते हैं। ये देखिए इसका कोनिडिया भी उससे छोटा है लेकिन है उसी तरह का, चीजें वही है, सेम लाइफ साइकिल इसमें भी चलती है जैसे कि उसमें थी, ठीक है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। फेवरेबल कंडीशंस इसकी क्या है, 3 दिन तक लगातार हाई आरएच मिले, टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो, विद ड्यू जब ओस की बूंदें लीफ सरफेस पर होनी चाहिए तभी ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, और आप ज्यादा डोज लगा दें नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, और मैग्नीशियम की सॉइल में कमी हो तो ये डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। पैथोजन लंबे पीरियड के लिए प्लांट डेब्रिस में कोनिडिया के थ्रू भी सरवाइव करता है, डोरमेंट माइसिलियम के रूप में भी सरवाइव करता है, और दूसरा सीडोथीसियम जो बताया था उसके रूप में भी करता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफेक्शन इसका एस्कोस्पोर के द्वारा भी हो सकता है और कोनिडिया के द्वारा भी हो सकता है, मतलब जो चीज सरवाइव करेगी नेक्स्ट सीजन के लिए वही प्राइमरी सोर्स प्राइमरी प्राथमिक स्रोत का जरिया बनती है। फिर सेकेंडरी स्प्रेड जो है हवा के द्वारा कोनिडिया से होता है या पानी की बूंदें बारिश की बूंदों के द्वारा होता है। मैनेजमेंट क्या है, प्लांट डेब्रिस को नष्ट कर देना, वीड को कंट्रोल में रखना, रेजिस्टेंट वेराइटीज को उगाना, रेजिस्टेंट वेराइटीज चीप मेथड है, केमिकल मेथड है, ट्रीट केमिकल को थीरम के द्वारा ट्रीट करना है, कार्बन डिजीम को स्प्रे करना है, कार्बन डिजीम और मैनकोसेब को स्प्रे करना है। तो ये आपका हो गया मूंगफली की डिजीज।